वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ नवनीत कौर एंड गाइज एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग द क्विक रिविजन सीरीज ऑफ फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एन डी यू जी सी नेट एग्जाम पेपर टू कॉमर्स राइट सो हमारे इस सीरीज में हम उन फिफ्टी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं राइट सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल डिस्कस आर सिक्स टॉपिक दैट इज रेशो एनालिसिस सो द रेशो अनालिसिस टॉपिक इज़ फ्रॉम यूनिट टू दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग राइट right? सो so, हम इसका पार्ट वन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड हम ये दिस वीडियो इस पार्ट टू जिसमें हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एम सी क्यूज़ को डिस्कस करेंगे राइट right? तो आपका यहाँ से ये यह टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल फॉर योर एग्जाम बिकॉज पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं फाइन सो इस वीडियो में हम फर्दर अपने कंटिन्यू करेंगे एम सी क्यूज़ एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल डिसकस समीवियस क्वेश्चन एज वेल बेस्ड ऑन पर्टिकुलर दिस टॉपिक सो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फाइन सो बिफोर मूविंग फर्दर दिस इज समथिंग अबाउट मी ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर डेली डोजेज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टडी नोट्स एंड एवरी अपडेट रिगार्डिंग यू जी सी नेट एग्जाम द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन द लिंक टू फाइंड माई पेज एंड फाइंड माई चैनल सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड सो दिस इज़ एन ओवर व्यू ऑफ द टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़ जो कि मैंने पार्ट वन में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है दैट देर आर फोर कैटेगरीज़ ऑफ़ रेशोज़ बेसिकली लिक्विडिटी रेशोज़ सोलवेंसी रेशोज़ प्रॉफिटबिलिटी रेशोज़ एंड टर्न ओवर रेशोज़ सो दीज आदा टाइप्स ऑफ़ लिक्विडिटी रेशोज़ दीज आदा टाइप्स ऑफ सोलवेंसी रेशोज़ दीज आदा टाइप्स ऑफ प्रॉफिटिबिलिटी रेशोज़ एंड दीज आर टर्न ओवर रेशोज़ सो आपको एग्जाम में इन टॉपिक्स को इन रेशोज़ को अच्छे से करना है सब का क्या मीनिंग होता है एंड सबका फार्मूला क्या है बिकॉज फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एंड कौन सा रेशो किस कैटेगरी में फॉल करता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो किस कैटेगरी का है फाइन सो लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको एक ओवरव्यू दे चुकी हूँ सो so, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सो क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज हेल्प टू स्टडी द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ बिजनेस सो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन ठीक है वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की एंड देन फिर आप फाइंड आउट करना दैट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट ओके सो मैं क्वेश्चन uh, को डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज हेल्प टू स्टडी द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस टर्न ओवर रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज लिक्विडिटी रेशोज़ और लीवरेज रेशोज सो देखो टर्न ओवर रेशोज़ तो हमें ये बताते हैं बेसिकली हमारी कंपनी में जितने भी स्टॉक है या फिर डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं सो इनसे रिलेटेड इन्फॉमेशन आपको ये टर्न ओवर रेशोज़ बताते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है अपने स्टॉक को डेटर्स को क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करवाने में ठीक है स्टॉक आपका कितने टाइम में सेल हो रहा है डेटर्स आपके कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं मीन्स आपको कब पेमेंट रिसीव हो रही है आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कितने टाइम में आ, कर रहे हो सो so ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है टर्न ओवर रेशोज़ से एंड टर्न ओवर रेशोज़ को हम एक्टिविटी रेशोज़ भी कहते हैं फाइन नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सो एज़ अ नेम इज़ सजेस्टिंग कि हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल के बारे में पता चलता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है हम ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से नेट प्रॉफिट की हेल्प से इन रिलेशन टू सेल्स फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स कितनी कंपनी को मिल रही है राइट right, जितने भी रिटर्न वाले रेशो हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना इन्वेस्ट किया गया है उसमें कितनी रिटर्न मीन्स कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है बेसिकली सो दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ठीक है तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स का यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि उनकी इन्वेस्टमेंट पे उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा ठीक है तो लॉन्ग टर्म सोलवेंसी हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज नहीं बताते ये हमें प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेबिलिटी uh, के बारे में बताते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में बताते हैं लिक्विडिटी रेशोज़ हमें बताते हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दैट वैदर अ कंपनी इज एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और नॉट ठीक है जो लाइबिलिटीज कंपनी को विद इन अ ईयर पे करनी होती है राइट right? तो इसमें हम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट रेशोज कैलकुलेट करते हैं लाइक करंट रेशो देन वी हैव क्विक रेशो देन वी हैव सुपर क्विक रेशो फाइन सो ये भी नहीं होगा लास्टली वी हैव लीवरेज रेशोज़ सो लीवरेज रेशोज़ को हम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशोज़ भी कहते हैं जिससे पता चलता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन क्या है एंड इसे हम सॉल्वेंसी रेशोज़ भी कहते हैं दैट वेदर बिजनेस इज सॉल्वेंट और नॉट ठीक है तो यहाँ पर कंपनी के जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं लाइक like डेट हो गया राइट इक्विटी कैपिटल इनका यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लीवरेज रेशोज़ कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितनी लिक्विड रहेगी कितनी उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म में अपनी पेमेंट्स uh, जो भी उसकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी बेसिकली कंपनी सॉल्वेंट रहेगी कि नहीं रहेगी वो इन रेशो से हमें पता चलता है सो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशोज़ को कौन बताता है लीवरेज रेशोज़ क्लियर सो दिस इज द करेक्ट आंसर है सो ऑप्शन फॉर इज करेक्ट फाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू नाउ यू आर गिवन फोर स्टेटमेंट्स आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है इट मीन्स एक ट्रू होगी बाकी सभी क्या होंगी फॉल्स सो लेट एस सी की कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगी फर्स्टली हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो एम्प्लायज हायर प्रोफिट अवेलेबल टू पे फॉर फिक्सड इंटरेस्ट चार्जेस तो बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई होगा उसका मतलब होगा कि आपके पास प्रॉफिट्स का लेवल ज्यादा है विच इज़ अवेलेबल टू पे फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस तो देखो हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है ये बेसिकली क्या है हमारा एक लीवरेज रेशो है जो हमें बताता है कि कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है वो अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस फ़िक्सड इंटरेस्ट मतलब सपोज डिवेंचर्स इशू किए हैं तो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है उन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट तो वो यहाँ पर आ जाएगा फाइन तो यहाँ पर हम अर्निंग्स को इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ही ज़्यादा इसका मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हो रही हैं एंड इट इज़ एबल टू कवर एंड पे इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस फाइन तो इसका क्या मतलब हुआ हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो इम्प्लायज हायर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि इसका uh, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा द हायर द रेशो द बेटर इट इज़ बिकॉज़ यहाँ पर इसका मतलब यही होगा कि कंपनी की अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट ईजीली कर सकती है एंड उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू तो हमें तो आंसर यहीं पर मिल गया स्टिल हम बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं कि क्या उनमें लिखा हुआ है सेकेंड इज़ अ लो गियर बिजनेस हैज़ मोर डेट्स देन इक्विटी स्टॉक इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर सो देखो गियर का मतलब होता है गियर इज़ रिलेटेड टू फिक्सड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल तो जितना ज़्यादा एक कंपनी के अंदर फिक्सड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल होगी उतनी ही ज़्यादा वो कंपनी क्या होगी हाईली गियर्ड ठीक है हाईली गियर्ड नाउ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल कौन कौन सी होती है डिविडेंड्स होते हैं आपके बेसिकली सॉरी डिविडेंड नहीं प्रेफरेंस कैपिटल होते हैं ठीक है एंड क्या होंगे आपके डेट प्रेफरेंस कैपिटल पे आप फिक्स डिविडेंड की पेमेंट करते हो है ना एंड डेट पे आप आप फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो डेट यहाँ पे आपके डिबेंचर्स भी आ जाएंगे लोन्स भी आ जाएंगे ठीक है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल यानी कि आपकी प्रेफरेंस कैपिटल और डेट कैपिटल तो जितनी ज़्यादा ये फॉर्म में होगी उतनी ज़्यादा फॉर्म क्या होगी हाईली गियर्ड ठीक है तो स्टेटमेंट क्या है अ लो गियर बिजनेस हैज़ मोर डेट्स देन इक्विटी स्टॉक सो दिस इज फॉल्स बिकॉज जहां पर डेट्स ज़्यादा होंगे तो वहां पर लो गियर नहीं हाई गियर्ड बिजनेस होगा क्लियर सो सेकेंड स्टेटमेंट हो गई फॉल्स थर्ड इज प्राइस अर्निंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला रहता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर

बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़ ये देखने के लिए कि कंपनी के पास एट प्रजेंट कितना कैश है मीन्स कंपनी की बिल्कुल कंपनी uh, की लिक्विडिटी जानने के लिए शॉर्ट टर्म में कि कंपनी को अगर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी हो तो कैश की पोजीशन कैसी है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी हाईली लिक्विड होती हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है इसलिए हम यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करते हैं कैश में आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों आ जाएगा तो ज दैट इज व इट इज कॉल्ड सुपर क्विक रेशो क्लियर सो इसको हम कैश रेशो भी कहते हैं ठीक है एंड इसको हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो भी कहते हैं ठीक है एप्सोल्यूट लिक्विड रेशो जिसमें बिल्कुल ही आपकी लिक्विडिटी पता चलती है सिर्फ आप कैश को ही कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर फाइन सो इट इज़ अ लिक्विडिटी रेशो कैश रेशो इज़ अ लिक्विडिटी रेशो बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोफिटेबिलिटी रेशो सो स्टेटमेंट फॉर इज फॉल्स तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन बिकॉज वो यहाँ पर क्या है ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आपको यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है आपको यहाँ से देन अ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टेटमेंट वन इज एप्सोल्यूट लिक्विड रेशो इज द अनदर नेम ऑफ सुपर क्विक रेशो स्टेटमेंट टू अपर क्विक रेशो बिलो वन इंडिकेट्स अ गुड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ अ फर्म तो स्टेटमेंट वन तो हमारी करेक्ट है अभी हमने पढ़ा कि एप्सोलोट लिक्विड रेशो को हम सुपर क्विक रेशो भी कहते हैं सेकेंड अ सुपर क्विक रेशो बिलो वन इंडिकेट्स अ गुड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ अ फर्म तो देखो सुपर क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या था कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट करिटीज इन्होंने बोला अगर आपका रेशो वन से कम होता है वन से कम होने का मतलब क्या होगा कि करंट लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा है एंड कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी क्या है कम है ठीक है तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में गुड लिक्विडिटी पोजिशन नहीं होती फर्म की इट मीनस फर्म की बैड लिक्विडिटी पोजीशन है बिकॉज कैश की पोजीशन कम है एंड करंट लाइबिलिटीज की ज़्यादा है दिस मीन्स द कंपनी हैज कंपनी डजेंट हैव इनफ कैश टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज़ है ना तो इट मीन्स कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है इट इज़ नॉट गुड तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट सो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट है क्लियर नेक्स्ट इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू सो आपके एग्जाम में भी ऐसे तरह से मैचिंग क्वेश्चन आ सकते हैं तो सिंपली आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है एंड देन फिर आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है सो लिस्ट वन में क्या क्या गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो ऑपरेटिंग रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड एंड लिस्ट टू में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको करेक्ट रेशो के साथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन को मैच करना है फर्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आर इंटरलिंक्ड एंड दोनों ही क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं ठीक है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं तो ऑपरेटिंग रेशो में हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को यहाँ पर कंसिडर करते हैं फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स ठीक है नेट सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स तो जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होते हैं उनमें हम सेल्स के साथ ही कंपैरिजन करते हैं मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ठीक है 100. तो ऑपरेटिंग रेशियो में आपका जो फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग ऑफिस एक्सपेंसिस ठीक है तो ऑपरेटिंग रेशो जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा इसका मतलब क्या कि आपके एक्सपेंसेस कम होने चाहिए राइट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा इससे पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नेट सेल्स है ना जब हम मतलब नेट सेल्स के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है तो हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो द बेटर इट इज़ एंड लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इट इज़ क्लियर दोनों आपस में इंटरलिंक भी हैं आप एक रेशो की हेल्प से दूसरे रेशो की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशो सपोज फोर्टी परसेंट तो सिंपली हंड्रेड में से फोर्टी को लेस करके दिक्सटी परसेंट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ठीक है तो हंड्रेड में से एक रेशो की वैल्यू को लेस कर देंगे तो दूसरे रेशो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओके okay, सो so अब देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होना चाहिए रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स टू नेट सेल्स कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो हायर द रेशो द बेटर इट इज़ या फिर नेट सेल्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ तो अभी हमने पढ़ा दैन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हायर द रेशो द बेटर इट इज़ क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे हैं है ना इट मीन्स फर्स्ट मैच विथ सी क्लियर नेक्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो हमारा एक टर्न ओवर रेशो है जिसमें हम कंपेरिजन करते हैं वर्किंग कैपिटल का किसके साथ नेट सेल्स के साथ राइट right? तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो क्या हो जाएगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज तो यही फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का सो सेकेंड मैच विद डी थर्ड इज़ ऑपरेटिंग रेशो तो ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पर क्या होगा यही दोनों हमारे पास लेफ्ट ओवर ऑप्शन हैं तो so, इनमें से क्या होगा ऑपरेटिंग रेशो इज़ द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स टू नेट सेल्स सो थर्ड मैच इज विद ए लास्टली एवरेज पेमेंट पीरियड दिस विल मैच विद बी दैट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो तो अगर हमारे पास क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो की वैल्यू है वी कैन ईजीली कैलकुलेट दैल द एवरेज पेमेंट पीरियड मीन्स कंपनी कितना टाइम लगा रही है एवरेज बेसिस पे अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए ठीक है तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड को हम क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू सपोज़ आपको फाइंड आउट करना है डेज़ में तो थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो राइट right? अगर आपको मंथ्स में एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड आउट करना है जस्ट न्यूमिनेटर uh, में आपका आ जाएगा ट्वेल्व बिकॉज ट्वेल्व मंथ्स होते हैं सो क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो इन द डिनोमिनेटर सो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज पेमेंट पीरियड सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आई होप दिस इज़ क्लियर ओके नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन सो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है Assertion is debt service coverage ratio is the other name for interest coverage ratio, and reason is interest coverage ratio takes into account the ability of a firm to sufficiently pay for its fixed interest payments. Now, they have assertion that debt service coverage ratio is the other name for interest coverage ratio. So, this statement is false because the ratios are different. Hai. Slight difference is but difference is different. difference hai wo? जो हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशू होता है ना इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय डेट सर्विस राइट अब डेट सर्विस क्या होता है डेट सर्विस में आपका आ जाएगा कि आप अपने डेट की सर्विसिंग कैसे कर सकते हो मीन्स आपको अपने डेट की जो पेमेंट करनी है आपने जो भी लोन लिया डिवेंचर्स इशू किए तो जब उनकी पेमेंट करोगे तो कैसे पेमेंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होगी एज वेल एज़ इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो ये दोनों ही आपके डेट सर्विस का पार्ट बनते हैं राइट right? तो आपके दोनों ही एड uh, करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके यहाँ डिनोमिनेटर में दिस इज़ योर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कंपैरिजन करते हैं कि क्या कंपनी इतनी अर्निंग्स कर रही है कि वो अपने डेट की सर्विसिंग ईजीली कर सकती है मीन्स वो अपने लोन्स की डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट की एज वेल एज इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट कर सकती है नहीं यही फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेट सर्विस कवरेज रेशो सो ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा इट मीन्स कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी हो रही हैं वो अपने डेट की सर्विसिंग ईजिली कर रही है एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी फिक्सड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करने के लिए राइट right? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ ई बी आई टी अगेन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्सेज डिवाइडेड बाई फिक्सड इंटरेस्ट चार्जेस तो यहाँ पर सिर्फ हम इंटरेस्ट को ही लेते हैं डेड सर्विस कवरेज रेशो में हम डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल अमाउंट को भी लेते हैं बट इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशो ओनली द फिक्सड इंटरेस्ट चार्जेज आर द टेकन इंटू अकाउंट सो ये क्या हो गया दोनों में डिफरेंस हो गया सो so, असैशन क्या हो जाएगा फॉल्स बिकॉज दोनों डिफरेंट होते हैं नव रीजन इंटरेस्ट कवरेज रेशो टेक्स इंटू अकाउंट द अबिलिटी ऑफ अ फॉर्म टू सफिशेंटली पे फॉर इट्स फिक्सड इंटरेस्ट पेमेंट सो इट इज ट्रू बिकॉज ये देखता है कि क्या कंपनी इतनी एबल है कि वो अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स की सफिशेंटली पेमेंट कर सकती है तो कर सकती है या नहीं ये हमें कौन बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिकॉज यहाँ पर हम अर्निंग्स को कंपेयर करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के साथ सो एसर्शन इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट है क्लियर नेक्स्ट वी हैव इज a हाई वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ratios इंडिकेट्स द नीड फॉर स्टेबल cash flows इन अ कंपनी कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रेशो है जिसकी हाई वैल्यू अगर हो तो वो हमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में स्टेबल कैश फ्लोज होने चाहिए नेट प्रॉफिट रेशो करंट रेशो लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो या फिर स्टॉक टर्न ओवर रेशो तो देखो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इन टू हंड्रेड तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा सॉरी जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उसे क्या पता चलता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं राइट तो इट इज़ बेटर अगर आपको रेशो ज़्यादा होगा तो इससे हमें ये तो नहीं पता चलता कि अगर ये रेशो ज़्यादा है तो कंपनी को कैश फ़्लोज़ की ज़रूरत है स्टेबल कैश फ्लोज की ज़रूरत है नहीं सेकेंड इज़ करेंट रेशो करंट रेशियो इज़ करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज़ जो हमें बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है तो एक आइडियल करंट रेशो क्या होता है टू इज़ टू वन मीन्स कंपनी की करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ के डबल होने चाहिए तो अगर जितना रेशो ज़्यादा होगा उतना बेटर है जिससे इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं है ना तो यहाँ पर अगेन हमें ये नहीं बता रहा कि अगर रेशो ज़्यादा होगा तो हमें स्टेबल कैश कैश फ्लोज की ज़रूरत है फाइन तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा हमारा थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो तो लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो क्या होगा हमारा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हम कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स तो उनका उनको कंपनी ने कितना फाइनेंस किया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब कितना कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स रेज करके या डिबेंचर्स इशू करके एसेट्स में पैसा लगाया है ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो तो ये रेशो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ज़्यादा होगा इट मीन्स आपने लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा रेज किया हुआ है ठीक है एंड आपने उसको टोटल एसेट्स में फिर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका जो फिर लोन से आपने पैसा उठा के एसेट्स में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर पैसा ब्लॉक हो गया तो अगर इन केस आपकी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही एंड उसको अपने डेट की पेमेंट करनी है तो क्या करेगी उसको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे सपोज दिस रेशो इज सपोज़ दिस रेशो इज़ ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो ठीक है जीरो पॉइंट एट जीरो इज टू वन ठीक है ये आपका रेशो है इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने एसेट्स का 80 परसेंट पोर्शन कहाँ से फाइनेंस किया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट की हेल्प से इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ऐसा पोर्शन है जो कंपनी ने इक्विटी से उठाया होगा ठीक है या प्रेफरेंस शेयर से उठाया होगा एंड वो कंपनी ने एसेट्स में लगाया होगा इट मीन्स कंपनी ने एटी परसेंट यानी कि एट्टी परसेंट पैसा लॉन्ग टर्म डेट की हेल्प से उठाया है तो ये क्या है रिस्की पोजीशन है अगर कंपनी इतना ज़्यादा डेट इतना ज़्यादा डिबेंचर्स इतना ज़्यादा लोन्स रेज कर रही है तो उसके पास स्टेबल कैश फ्लोज होने चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट कर सके है ना तो इसका मतलब अगर ये रेशो ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करता है द नीड फॉर स्टेबल कैश फ्लोज इन द कंपनी क्लियर सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो इट इज़ द लीवरेज रेशो और यू कैन से द सॉल्वेंसी रेशो तो कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को बताता है अगर कंपनी के पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट है मीन्स अगर ये रेशो ज़्यादा है इट मीन्स कंपनी की कंपनी इज ऐट रिस्क राइट सो लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट्स रेशो इज़ द करेक्ट आंसर है लास्ट में देख लेते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशो तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो क्या होता है कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक जो ये बताता है कि कंपनी के कंपनी के अंदर कितनी बार स्टॉक जो है वो स्टॉक टर्न ओवर मीन्स कितनी बार स्टॉक उनका बिक रहा है एंड नया स्टॉक फॉर्म में आ रहा है सपोज दिस इज सेवन सेवन टाइम्स ठीक है तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ही ज़्यादा इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा ज़्यादा जा, से ज़्यादा अपना स्टॉक जो है क्लियर कर पा रही है सपोज़ सेवन टाइम्स है अगर ये इंक्रीज हो जाता है रेशो सपोज़ नाइन टाइम्स हो जाता है इसका मतलब कंपनी साल में नौ बार अपना स्टॉक क्लियर करती है और नया स्टॉक अराइव होता है तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा तो बेटर होगा इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को स्टेबल कैश लॉस की जरूरत है कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा ठीक है तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज अ टाइप ऑफ टर्न ओवर रेशो सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री फाइन नाउ नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अगेन यू आर गिवन टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू तो स्टेटमेंट वन क्या कह रही है डेट रेशो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट एंड टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी स्टेटमेंट टू डेट कैपिटल रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ अ कंपनी तो ये देखो डेट रेशो क्या होता है अगेन दिस इज़ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो और यू कैन से द लीवरेज रेशो इसमें हम यूज़ करते हैं टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेट रेशो जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं एंड कंपनी ने उनका कितना पोर्शन फाइनेंस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टोटल डेट नाउ यहाँ पर टोटल डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट एज़ वेल एज शॉर्ट टर्म डेट ठीक है तो डेट का मतलब होता है जो आपने लोन्स की फॉर्म में पैसा रेज किया हुआ है या डिवेंचर्स इशू करके आपकी जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इसका पार्ट नहीं बनती जैसे कि आपकी सपोज़ अनअर्न रिवेन्यू जो होता है ठीक है या फिर अकाउंट्स पेबल हो गया दीज आर द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बट ये आपके यहाँ पर टोटल डेट का पार्ट नहीं बनते यहाँ पर सिंपली आप लॉन्ग टर्म डेट लेते हो शॉर्ट टर्म डेट डेट का मतलब है कि आप जो लोन से पैसा रेज कर रहे हो या फिर डिवेंचर से इशू करके जो आपके लॉन्ग टर्म डिवेंचर होते हैं उसको इशू करके सो डेट रेशो इज़ द रेशो ऑफ टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स सो ये रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द कंपनी बिकॉज वो डेट उसने ज़्यादा रेस किया हुआ है ठीक है तो अगेन वही आपका ये ज़ीरो पॉइंट फाइव या उससे लेस हो तो बेटर है अगर ज़ीरो पॉइंट फाइव या जीरो पॉइंट सेवन फाइव तक जाता है सेवन पाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव से ज़्यादा है तो दिस इज़ नॉट गुड इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को एसेट्स में पैसा लगाने के लिए सेवेंटी फाइव परसेंट डेट रेज किया हुआ है एंड रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट इज़ फाइनानस्ड फ्रॉम इक्विटी राइट right? तो डेट इसका मतलब ज़्यादा है कंपनी में तो अगेन रिस्क की पोजिशन होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इस चीज़ को फेवरेबल नहीं मानते बिकॉज दे थिंक कि वो फर्दर लोन ग्रांट नहीं कर सकते उस कंपनी के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेट है फाइन तो ये रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी करेक्ट सेकेंड इज डेट कैपिटल रेशो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल सो दिस इज़ ऑलसो करेक्ट डेट कैपिटल रेशो हमारा क्या होता है अगेन दिस इज द सॉल्वेंसी रेशो एंड इसमें हम रिलेशन देखते हैं टोटल डेट का विद टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल मीन्स इक्विटी प्लस डेट तो यहाँ पर आपके जो इक्विटी शेयर्स आ गए एंड जो डेट uh, आपके यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेट आ गए ठीक है लॉन्ग टर्म जो आपके लोन्स हैं एंड जो आपके डिबेंचर्स हैं मीन्स आपके जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल है टोटल टोटल आपने जो पैसा फाइनेंस किया विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर देखो इक्विटी का मतलब इक्विटी नहीं होता सिंपली यहाँ पर इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके क्या क्या आते हैं इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सर प्लस जितने भी रिजर्व हैं ठीक है कंपनी के अंदर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस जो होता है एंड जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको लेस कर देंगे यहाँ पर फिक्सटीशियस एसेट्स को लेस कर देंगे सो दिस इज द शेयर होल्डर्स फंडस तो इक्विटी का मतलब मैं यहाँ बात करूँ शेयर होल्डर्स फंड्स की फाइन तो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट दिस इज योर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल तो हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल में से कितना पोर्शन डिवेंचर्स का है फाइन सो अगेन कंपनी की लीवरेज को कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रेशो यूज़ करते हैं एंड अगेन दिस रेशो शुड नॉट बी हायर बिकॉज वही फिर डेट की पोजिशन ज़्यादा होगी कंपनी के अंदर एंड वो रिस्की होगा सो so, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं करेक्ट हैं सो so, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग रेशोज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल इम्प्लॉयड तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा रेशो बताता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या फिर प्राइस अर्निंग रेशो तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या रहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स राइट तो ये तो हमारा नहीं हुआ ई मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो ये तो वो नहीं है तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी ने कितना पैसा लगाया हुआ है वो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्लस आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए यहाँ पर राइट right? तो ये सारे क्या पार्ट बनते हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का और एसेट साइड से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स राइट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ तो जो पोर्शन बचेगा वो क्या होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये हमें रेशो कौन बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगेन मैं आपको इसका फॉर्मुला बता चुकी हूँ एंड प्राइस अर्निंग रेशियो का भी आपको बता चुकी हूँ जिसका फॉर्मूला क्या होता है मार्केट so, so, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड फाइन सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट वी हैव इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो यहाँ पर लिस्ट वन में आपको डिफरेंट रेशोज़ गिवन है एंड लिस्ट टू में आपको गिवन है उनके फार्मूलाज तो so, आपको करेक्ट रेशियो का उसके करेक्ट फार्मूला के साथ मैच करना है तो so, अगर आपको फार्मूलाज पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन फाइन फिर यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन अपना चूज कर सकते हो सो डिविडेंड यील्ड रेशो कैपिटल गेनिंग रेशो डिविडेंड पे आउट रेशो डेट सर्विस कवरेज रेशो तो डिविडेंड यील्ड रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर ठीक है तो डिविडेंड और मार्केट प्राइस को कंपैरिजन किया जाता है डिविडेंड एंड हील रेशो के अंदर दिस इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बिकॉज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो जो डिविडेंड से रिलेटेड रेशोज़ है वो भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में ही आते हैं बिकॉज डिविडेंड होता क्या है इट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स है ना इन रिटर्न ऑफ देयर कैपिटल जो उन्होंने कैपिटल लगाई है कंपनी के अंदर तो उसका रिटर्न उनको डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है ठीक है तो ये क्या है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है इट इज़ इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाई फिक्सड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल ये हमें बताता है कि कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल कैपिटल गियरिंग मतलब कितनी गियर कंपनी के अंदर है गियर का मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल मींस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी के अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रिलेटेड कैपिटल कितनी है मींस प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं या फिर डिबेंचर्स कितने हैं या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं राइट right? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल इक्विटी कैपिटल अगेन वही शेयर होल्डर्स फंड जाएंगे यहाँ पर आपके फाइन सो कैपिटल गेनिंग रेशो हमारा क्या होता है लीवरेज रेशो होता है ये अगेन कंपनी की लीवरेज पोजिशन को बताता है ठीक है लीवरेज का मतलब होता है डेट मीन्स कंपनी ने कितना डेट रेस किया हुआ है थर्ड इज़ डिविडेंड पे आउट रेशो सो डिविडेंड पे आउट रेशो मीन्स कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है मीन्स कंपनी जितनी अर्निंग्स कर रही है उस अर्निंग्स के अंदर जितना डिविडेंड कंपनी पे करती है उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो तो ये कंपेरिजन किस में होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर मीन्स जिस शेयर पे जितनी अर्निंग्स हो रही है उसका कितना पोर्शन कंपनी एज डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को सो थर्ड मैच विथ डी एंड लास्टली वी हैव डेट सर्विस कवरेज रेशो जो मैंने भी आपको पहले ही बताया कि डेट सर्विस कवरेज रेशो हमारे फॉर्मूला क्या होता है ई बी आई टी डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल प्लस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस एंड अर्निज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं क्लियर सो फोर्थ मैच विद ए सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री फाइन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन क्या कह रही है हाई क्रेडिट टर्न ओवर रेशियो इंडिकेट्स अ साउंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी हायर द क्रेडिट टर्न ओवर रेशो लोअर इज द एवरेज पेमेंट पीरियड तो देखो क्रेडिट टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है इट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स तो यहाँ पर हम क्रेडिट परचेजेस को

एंड सेवन टाइम्स का मतलब क्या है कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स की सेवन टाइम्स पेमेंट करती है साल के अंदर फाइन सो किसकी ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी ऑब्वियसली उस कंपनी की जो ज़्यादा बार अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रही है दैट इज कंपनी भी जिसका क्रेडिट क्रेडिट टर्न ओवर रेशो इज़ ग्रेटर है ना इसका क्या है सेवन टाइम्स तो जितना ज़्यादा आपका ये रेशो होगा उतना ही ज़्यादा ये बताएगा कि आपकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है तभी तो आप अपने क्रेडिटर्स की इतनी ज़्यादा बार पेमेंट कर पा रहे हो है ना मीन्स आप अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते उनको पेमेंट करने में फ़ाइन ओके स्टेटमेंट टू इज हायर द क्रेडिट टर्न ओवर रेशो द लोअर इज़ द एवरेज पेमेंट पीरियड तो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आपका ये क्रेडिट टर्न ओवर रेशो होगा क्रेडिट टर्न ओवर रेशो होगा उतना ही ज़्यादा आपका उतना ही कम आपका एवरेज पेमेंट पीरियड होगा सो दिस इज करेक्ट बिकॉज इसका मतलब यही तो हुआ कि आप अगर ज़्यादा बार अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर पा रहे हो इट मीन्स आप अपने एवरेज पेमेंट पीरियड आपने कम रखा हुआ है फाइव टाइम्स है एंड एक तरफ है सेवन टाइम्स तो चलो हम एक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कि कंपनी ए है उसका क्रेडिट टर्न ओवर रेशियो है सपोज़ टेन टाइम्स एंड कंपनी बी का है ट्वेंटी टाइम्स फाइन तो एवरेज पेमेंट पीरियड सपोज़ आपने कंपनी ए का निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा सपोज आप डेज में निकालते हो तो 365 डिवाइडेड बाय 10 मींस आपका जो क्रेडिट टर्न ओवर रेशियो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना आ गया थर्टी डेज इट मीन्स कि कंपनी का एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है 36.5 डेज सपोज आप 37 मान लेते हैं इसको कि कंपनी 37 डेज़ के इंटरवल पे अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही है इट मींस कंपनी ऑलमोस्ट पूरा मंथ ले लेती है ठीक है उसके बाद वो पेमेंट करती है तो एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है कंपनी ए का थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डेज कंपनी बी का देखते हैं कंपनी बी का निकालेंगे थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू एटीन पॉइंट टू फाइव डेज तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी बी एटीन डेज ले रही है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में इट मीन्स जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट टर्न ओवर रेशो था उतना ही कम आपका क्या हो गया एवरेज पेमेंट पीरियड कंपनी ए का ज़्यादा था सॉरी कंपनी ए का कम था तो एवरेज पेमेंट पीरियड ज़्यादा था कंपनी बी का ज़्यादा था क्रेडिट टर्न ओवर रेशो तो एवरेज पेमेंट पीरियड क्या हो गया कम हो गया ठीक है इट मींस यही मतलब हुआ कि कंपनी अगर ज़्यादा बार पेमेंट कर रही है इट मीन्स वो कम टाइम लगा रही है पेमेंट करने में राइट right? कंपनी भी सिर्फ और सिर्फ अट्ठारह दिन लगाती है कंपनी ए जो वो थर्टी सिक्स डेज लगा रही है पेमेंट करने में फ़ाइन सो so, हमारी स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगी करेक्ट एंड फर्स्ट भी हमारी क्या थी करेक्ट सो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं दैट इज़ वाई आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री फाइन सो लेट अस सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया था आपका डिसम्बर टू में अ फॉर्म हैज़ इन्वेंट्री टर्न ऑफ थ्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज रुपीज टू लैक सेवेंटी थाउजेंड विध बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्न ओवर इज़ इंक्रीज टू फाइव तो बोल रहे हैं कि कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो वो थ्री है तो फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्र टन ओवर रेशो या फिर स्टॉक टर्न ओवर रेशो का इट इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री तो हमें थ्री गिवन है ऑलरेडी एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें टू लैक् सेवेंटी थाउजेंड गिवन है एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है यहाँ से हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू नाइन्टी थाउजेंड फाइन उन्होंने बोला कि विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्न ओवर इज़ इंक्रीज टू फाइव कि कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री की बहुत अच्छे से मैनेजमेंट की जिसकी वजह से अब इन्वेंट्री टर्न ओवर क्या है फाइव हो गया है इट मीन्स अब कंपनी जो है वो ज़्यादा अपने जो स्टॉक को है वो ज़्यादा बार क्लियर कर पा रही है ठीक है बेटर इन्वेंट्री मैनेज करके तो इससे हुआ क्या दिस वुड रिजल्ट इन इससे क्या होगा डिक्रीज इन इवेंट्री बाय नाइन थाउजेंड या फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय थर्टी सिक्स थाउजेंड इनक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाई ट्वेंटी थाउजेंड या फिर इनक्रीज इन इवेंट्री बाई फिफ़्टी फोर थाउजेंड तो देखो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपने कैलकुलेट कर लिया आपके पास एवरेज इन्वेंट्री नहीं गिवन थी जो आपने फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ नाइन्टी थाउजेंड अब उन्होंने बोला कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर होने की वजह से इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशू फाइव तक इंक्रीज हो गया है फाइन तो इससे क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री डेफिनेटली डिक्रीज करी आपने तभी आपका रेशियो बढ़ा है ना क्योंकि आप कम इन्वेंट्री जब रखोगे तो वो जल्दी क्लियर हो पाएगी एज कम्पेयर टू इन्वेंट्री अगर आप ज़्यादा रखोगे अपने पास फाइन तो इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो या तो ऑप्शन वन होना चाहिए या फिर ऑप्शन टू होना चाहिए बिकॉज आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है इट मींस आप अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट किए तो ही आपका इन्वेंट्री टर्नोम रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो गया फाइव तक पहुँच गया मीन साल में पाँच बार आप अपने नए स्टॉक को लेकर आ रहे हो पहले सिर्फ तीन बार ला रहे थे तीन बार क्यों ला रहे होंगे क्योंकि आपका स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा होगा जिसको निकलने में टाइम लग रहा होगा सेल होने में टाइम लग रहा होगा बट अब क्योंकि ज्यादा आपने टर्न ओवर रेशो बढ़ गया आपका इट मीन्स आप ज्यादा बार स्टॉक को लेकर आ रहे हो इट मीन्स आपका स्टॉक जो है वो सेल होने में कम टाइम लग रहा है कम स्टॉक कर दिया होगा तो ही वो जल्दी क्लियर हो जाता है है ना अब देखने की मीन से वैल्यू कौन सी आएगी नाइनटी थाउजेंड की या फिर थर्टी सिक्स थाउजेंड की तो देखो यहाँ से आप ऑलरेडी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर चुके हो है ना एंड आपके पास जो इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशो है वो नया क्या गिवन है आपको फाइव गिवन है तो अगेन आप यहाँ से निकालते हो या वैल्यू याद रखो नाइन्टी थाउजेंड हमारी आई थी तो अब हम देखते हैं कि नया क्या है फाइव तो कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड हमारी क्या थी वही टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और एवरेज इन्वेंट्री हम अगेन निकालते हैं यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री फिफ्टी फोर थाउजेंड और पहले कितनी थी नाइन्टी थाउजेंड अब कितनी हो गई फिफ्टी फोर थाउजेंड इट मीनस डिक्रीज हो गई है तो कितनी डिक्रीज हो गई है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइन सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री बायीज थर्टी सिक्स थाउजेंड आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन टू जुलाई टू थाउजेंड एटीन में आया था ये गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज असर्शन अदर इज रीजन तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है असर्शन इज अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अपरेटिंग फेवरेबल पोजिशन एंड रीजन हाई ऑपरेटिंग रेशो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सो so, इस आप इनको अच्छे से कर लेना बिकॉज एग्जाम में पूरे चांसेज हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आने के तो so, देखो हाई ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजिशन तो देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑपरेटिंग रेशो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज हैं उनसे रिलेटेड होता है है ना तो अगर ये रेशो ज़्यादा होगा दैट विल बी द अनफेवरेबल पोजिशन एंड नॉट द फेवरेबल पोजिशन बिकॉज इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट कम हो रहे हैं एंड एक्सपेंसिज़ ज़्यादा हो रहे हैं फाइन सो एसर्शन इज फॉल्स रीजन इज अ हाई ऑपरेटिंग रेशो लीवस अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस सो अगेन दिस इज फॉल्स बिकॉज अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो ज़्यादा है तो वहां पर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस मीट करने के लिए हाई मार्जिन नहीं है आपके पास मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो जब एक्सपेंसेस ही ज़्यादा होंगे तो आपके पास प्रॉफिट्स ऑलरेडी कम आ जाएंगे प्रॉफिट्स कम आ जाएंगे तो आप उनको फिर कैसे मीट कर पाओगे अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फ़ाइन तो आपका हायर ऑपरेटिंग रेशो जो है वो हाई मार्जिन आपके लिए नहीं छोड़ता मार्जिन कौन सा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी कम हो जाता है ना हमारा जैसे ही ऑपरेटिंग रेशो इंक्रीज हुआ हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा इसका मतलब यही होता है बिकॉज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इंक्रीज़ होने का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज होना फाइन तो हमारा रीजन भी क्या है फॉल्स है तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर क्या है फॉल्स तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हेयर फाइन आई होप दिस इज क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज एसर्शन एंड अदर इज रीजन सो अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है असर्शन क्या है अ लो डेड इक्विटी रेशियो इज जनरली रिकमेंडेड फॉर अ न्यूली स्टार्ट बिजनेस एंड रीजन इज ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द बिजनेस डेड सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्ड सम तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है सो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए राइट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन आई जस्ट लीव इट अप टू यू सो यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो वट इज योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो फाइन सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन भी ज़रूर देखना वहाँ से भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं उनकी मैंने जो ओवरव्यू है वो वहीं पर एक्सप्लेन किया है तो उसको ज़रूर जा कर देखना सो येस दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव सो आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग